भारत का सबसे बड़ा दुश्मन खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का अंत हुआ, ये खबर सुन भारत बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। लेकिन भारत को क्या पता था कि इतना अच्छा काम होने के बावजूद भी कनाडा के सरकार भारत पे आरोप लगाएगा। जब से खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को गोली से भूना है, उसी समय से कनाडा कई बार भारत सरकार पे हमला कर दिए है और कई बार जो है सो आरोप लगा चुके हैं। क्योंकि आप इस बात को जानते होंगे कि भारत सरकार कनाडा सरकार से कितना बार विनती कर चुके थे, निवेदन कर चुके थे कि आप खालिस्तानी को अपने देश में फना मत दीजिए, क्योंकि ये खालिस्तानी बहुत ही बड़ा आतंकवादी है और आतंकवाद किसी का नहीं होता है। लेकिन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस बात को कभी भी नहीं सुना और भारत जो भी बोला ना उस सभी बात को इग्नोर करता गया। और आज इतना बड़ा आतंकवाद इतना बड़ा खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का हत्या हो गया, इस पे कनाडा सरकार को खुश होना चाहिए। लेकिन खुश नहीं हो के वो भारत सरकार पे बार बार आरोप लगा रहा है, बार बार हमला कर रहा है और भारत सरकार को गिराने में लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब इस मसले पे अमेरिका भी जो है सो सवाल के घेरे में आ गए हैं और कहा जाता है कि अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है। कनाडा उसका पुराना साथी है और इतना ही नहीं, कनाडा जो है ना सो पूरा पूरी अमेरिका पे डिपेंडेंट है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है अमेरिका का डबल गेम। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका पिछले कुछ सालों से भारत से नजदीकियां बढ़ाने में जुटी हुई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से जिन खुफिया सूचना के आधार पर भारत सरकार पे निज्जर की हत्या का आरोप लगा रहा है, वो सूचना किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने ही कनाडा को बताया था। और यही जानकारी सामने आने के बाद अब कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है। दरअसल कनाडा ने इस मसले को लेकर भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, उसके समर्थन में अभी तक कोई निजी सबूत जो है सो पेश नहीं किया गया है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी लिख हो गई है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के मामले में कनाडा के पास भारतीय राजनयिकों के कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड है जिनसे उनके ऊपर इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ में ये भी कहा गया है कि कनाडा को भारतीय डिप्लोमेट्स कम्युनिकेशन खुफिया की जानकारी फाइव आईज के संगठन एक सदस्य देश ने दी है। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठा होगा दोस्तों कि आखिर फाइव आईज क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल फाइव आईज पांच देशों की खुफिया नेटवर्क का एक गठबंधन है जिसमें कनाडा के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है और ये पांचों का पांचों देश इंग्लिश बोलने वाला है। ये फाइव आईज संगठन के जरिए इनकी खुफिया एजेंसी एक दूसरे के साथ सीक्रेट जानकारियां जो है सो शेयर करती है। जिस तरह इस मामले में भारतीय डिप्लोमेट्स के कम्युनिकेशन की बात कही जा रही है उससे इस बात की आशंका जताई जा रही है भारतीय राजनयिकों को कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, ईमेल, लैपटॉप को हैक करके उनकी जासूसी की जा रही है। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि संभवतः अमेरिका खुफिया एजेंसी में भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी करके इसकी जानकारी कनाडा के खुफिया एजेंसी के साथ शेयर किया है और इन सभी को लेके कनाडा के सरकार ने भारत पे आरोप लगाया है जबकि उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका के अलावा फाइव आईज में जुड़े बाकी देशों ने भारत के खिलाफ कभी भी कोई बयान जो है सो जारी नहीं किया है, लेकिन इसमें अमेरिका की भूमिका संदेह नजर आ रही है। दोस्तों अमेरिका के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान हाल ही में इस मसले पर अपने बयान में जो है सो कहा है कि और उन्होंने भारत के खिलाफ सख्त रूप अपनाते हुए कहा कि भारत को कोई विशेष छूट नहीं दिया जाएगा, यानी इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका कनाडा का पक्ष ले रहा है। उनका साफ साफ ये कहना है कि पूरी मामला का जांच होनी चाहिए और अपराधियों को अदालत के कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है कि अमेरिका के इस बयान को लेकर लगता है कि अमेरिका अपने पुराने साथी कनाडा को कैसे भूल सकता है। दरअसल अमेरिका और कनाडा की दोस्ती काफी पुरानी है। कनाडा अमेरिका के पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ अमेरिका लीडरशिप वाले मिलिट्री संगठन नाटो का भी सदस्य है और इस बात को आप जानते होंगे कि नाटो का कोई भी देश अगर सदस्य है ना, अगर उस देश पे अगर कोई देश अगर आक्रमण करता है ना तो पूरे नाटो मिलके उस देश पे आक्रमण करता है। इसीलिए आप अक्सर देखे होंगे कि ये सभी देश जो है सो नाटो बना लिया है और ये जो है सो खरलुची की तरह कभी जो है सो उस देश को परेशान करता है तो कभी उस देश को परेशान करता है, ये लोग एक ढाठी बना लिया है। सेम उसी प्रकार कनाडा तो जानता है कि अगर भारत अगर हम पे आक्रमण करता है तो अमेरिका भी जो है सो नहीं छोड़ेगा क्योंकि हम भी नाटो का सदस्य है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बोला कि अमेरिका और कनाडा काफी पुराना दोस्त है और कनाडा अमेरिका के पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ जो है सो वो नाटो का सदस्य भी है। और आप इस बात को जानते होंगे कि यूरोप में रूस को काबू रखने के लिए बने नाटो में बस कनाडा और अमेरिका दो गैर यूरोपीय देश है। ये जो है ना सो केवल ये नाटो देश बनाया है केवल तो रूस को काबू करने के लिए, क्योंकि रूस इतना बड़ा बेल है ना, रूस से
कोई संभाल नहीं सकता है। इसीलिए नाटो बनाने का एक ही इन लोगों का लक्ष्य था कि रूस को जो है सो काबू में रख पाए। और इसके अलावा कनाडा अमेरिका के साथ पावरफुल और रईस देशों के संगठन G7 का भी सदस्य है। जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया था तो उस हमले में कनाडा ने भी जो है सो तालिबान से लड़ने के लिए अपनी फौज जो है सो भेजी थी और अमेरिका के सैनिकों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर जो है सो तालिबान से लड़ा था। इसीलिए इंटरनेशनल मसला में कनाडा अमेरिका का छोटा भाई है। आप सोच सकते हो दोस्तों कि अमेरिका कितना बड़ा डबल गेम खेल रहा है। और आप इस बात को मत भूलिएगा कि कनाडा उसका अपना भाई है। और आप इस बात को मत भूलिएगा कि कनाडा को कभी भी जो है सो अमेरिका छोड़ सकता है। वो कभी भी सपोर्ट करेगा ना तो कनाडा को ही सपोर्ट करेगा। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य बताना। जय हिंद।